नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला जारी है। अब तक जुमला 3 उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की है। पहले दिन 1 उम्मीदवार ने, जबकि उसके बाद मजीद 2 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल किए हैं। दूसरे दिन जिन 2 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की है, इनमें वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से अकबर अख्तर खान, जबकि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से साहेब राव गजबारे का नाम शामिल है। इस तरह की इत्तला ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से दी गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से उम्मीदवारी दाखिल करने पर पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद से राबता करने पर उन्होंने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने अब तक नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है। आज जिस शख्स ने उनके पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है, वो गलत है। पार्टी ने इन्हें AB फॉर्म नहीं दिया है, सिर्फ तशहीर के लिए उन्होंने ये हरकत की है। वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर लोकसभा इंतखाबात के लिए तीसरा महाज बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल से और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। 2 मार्च तक इस मामले में हतमी फैसला आ जाएगा। इसके बाद वंचित बहुजन अघाड़ी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से भाजपा को हराने के लिए एक ताकतवर फ्रंट खड़ा करने के लिए सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायलॉग शुरू है। आने वाले 1 से 2 दिनों में 2 तारीख से पहले पहले एक नया गठबंधन सामने आएगा जो भाजपा को हराने के लिए एक महाशक्ति के तौर पे काम करेगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी उतनी संजीदा तौर से सीटें देने लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो कांग्रेस 22-24 सीटें लड़ाकर 1 या 2 सीटें नहीं जीत पाई थी, वो वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ में लेने के लिए वो पूरे होकर 2 या 3 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। और ये टीवी में आके 5 का 6 का जो बात कर रहे हैं, ऐसी कोई लिस्ट उन्होंने दी नहीं है, सिर्फ मीडिया में बात कर रहे हैं। और हमको डायलॉग के लिए सिर्फ 3 से 4 बार बुलाया गया, और वो भी मीटिंग के दौरान हमको बाहर बिठाने के लिए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की कोशिश चल रही है कि जरांगे पाटिल, जो मराठा आरक्षण का एक बहुत बड़ा उनका इनकलाबी तहरीक चालू है, उनकी जैसी ताकतों को साथ लेना है, क्योंकि वो भी भाजपा को हराने के लिए अपील कर रहे हैं। ऐसी सब ताकतों को साथ में लेकर इंशाल्लाह एक बड़ी ताकत के तौर पे बहुत जल्द वंचित बहुजन अघाड़ी अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करेगी। नांदेड़ में आज एक वंचित की तरफ से नुमाइंदगी दाखिल करने की प्रेस नोट आई है, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? कोई भी इलेक्शन का फॉर्म भरते वक्त एक कॉलम में पार्टी का नाम लिखता ज़रूर है, कितने भी लोग पार्टी के किसी भी पार्टी का नाम लिख के फॉर्म भरते हैं, लेकिन जब तक पार्टी का AB फॉर्म किसी उम्मीदवार के अर्ज से नहीं जुड़ता, तब तक वो पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार नहीं होता है। इसलिए पब्लिसिटी स्टंट के लिए, शोहरत के लिए कुछ लोग ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी ने अब तक नांदेड़ का अपना कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़, यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तियाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड, इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अकसाम के डिज़ाइन, जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राबता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़्द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।